हमने यहाँ तक स्केल्टन बनाया था, आज आगे स्केल्टन बनाते हैं, सेट करते हैं इसको। अगर आपको सब जॉइंट्स का साइज इकट्ठा छोटा करना है तो गो टू डिस्प्ले एनिमेशन जॉइंट साइज, यहां से साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर एक का करना है, खाली एक का, तो आप यहां से रेडियस से छोटा कर सकते हो। ज्यादा बेस्ट है जॉइंट साइज से जाके डिस्प्ले एनिमेशन जॉइंट साइज, आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हो। समझ आया? देन ऑफ फिंगर्स पिक करते हैं। नेमिंग जरूर कर लेना लेफ्ट अंडरस्कोर। कंट्रोल डी कॉपी, इसको नाम दो लेफ्ट इंडेक्स मिडिल।
नाम दो लेफ्ट इंडेक्स पिंकी एंड लिटिल फिंगर। और इन चारों को इसको अर्थिंग करना है। पी करके पी पी फॉर पेरेंट। देन आप इसकी कंट्रोल डी से कॉपी लो। हम के लिए एक जॉइंट रिमूव कर दो। इसके बाद आप इसको मिरर करा दो ताकि एल के बदले आर अपने आप लग जाए। बदले आर वाई एड ऑन मिरर देखो सब में ना आर आर लिखा आ रहा है। हमारा स्केलेटन पूरा बन गया। बढ़ाना नहीं है तो ही बड़ा करो ना। अब हमें कंट्रोलर्स चाहिए तो कंट्रोलर्स के लिए आप क्या करना, यहाँ पे नीचे आता है स्क्रिप्ट पैनल, यहां से लॉड स्क्रिप्ट ठीक है। और लास्ट में जाके ये कॉपी कर लेना, स्क्रिप्ट मुझसे ले लेना, लास्ट में जाके कॉपी कर लेना। अब इस पूरी स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे या कंट्रोल एंटर मार दो ठीक है। ये टूल बन गया आपका। इस टूल को नाम दे सकते हो कैसे, यहाँ पे आता है सेल्फ एडिटर, कौन से पैनल में, रिगिंग पैनल में, रिगिंग पैनल में सबसे नीचे कि माई स्क्रिप्ट लिखा रहा है। क्लिक करते ही विंडो अपेयर होगी। अब जैसे मुझे पैरों के लिए चाहिए तो फुटप्रिंट ले लो, फुटप्रिंट को
कंट्रोल डी, नेमिंग कर लेना पहले इसकी। मुझे इसका स्केल नहीं चाहिए, स्केल गायब कर दो, लॉक करके गायब कर दो। और मुझे इसके अंदर अपने पांच बनाने हैं एट्रीब्यूट, पांच से छह। राइट एट्रीब्यूट करना, पहले एट्रीब्यूट देना तब डुप्लीकेट करना। एट्रीब्यूट का नाम दो बॉल रोटेशन, -45। ये ओनली 0 से 45 जाएगा, ऐड यहां पे आ गया बॉल रोटेशन। देन टो रोटेशन -45 to 45। फिर एंकल रोटेशन -45 to 45। फिर एंकल टिल्ट -45 to 45। फिर एंकल रोल -45 to 45। फिर टॉ रोटेशन है, अभी करता हूँ। टो टिल्ट रोल एट्रीब्यूट्स आपको बनाने हैं, आठ एट्रीब्यूट्स। अगर किसी को एडिट करना एडिट करो, किसी ठीक है। अब इसकी आप कॉपी कर सकते हो, इसको नाम दो लेफ्ट फुट कंट्रोल। कॉपी करना और माइनस डाल देना स्केल में, पर स्केल तो हमने डीएक्टिवेट कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए हम डीएक्टिवेट कर लेते हैं। दोनों को नीचे कर दो, आगे कर दो और फ्रिज कर दो। फ्रिज में स्केल नहीं चाहिए। लो हो गया आपका कंट्रोलर फुट का। तो आज हम इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और कंट्रोलर लगा के रिग शुरू करेंगे।